बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। सॉल्व x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल 0। याद रहे कि ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की फिफ्थ टाइप है, जिसमें ये वाला एक्सप्रेशन इस तरह से होता है कि इन दोनों को ऐड करें तो जो आंसर आए वो इन दोनों को ऐड करने से आना चाहिए। अगर ये ऐसा ना हो तो फिर हम रीअरेंज कर लेते हैं। ऐसा अब तो है, माइनस वन में माइनस टू ऐड करेंगे माइनस थ्री आएगा, माइनस एट में प्लस फाइव ऐड करेंगे तो माइनस थ्री आएगा। इस वक्त तो इसी हालत में ये ठीक है, लिहाजा हम इसको रीअरेंज किए बगैर ही सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस 360 इज इक्वल टू जीरो। करना अब यह है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराना है। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स, माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू। ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करा दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू फाइव प्लस फाइव एक्स, माइनस एट इंटू एक्स माइनस एट एक्स, माइनस एट इंटू फाइव माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू जीरो। माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस फाइव एक्स माइनस एट एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमें फ़ायदा ये हो गया कि ये दोनों फैक्टर्स सेम आ गए, एक्स के माइनस थ्री एक्स और ये एक्स के माइनस थ्री एक्स में ये कॉमन एक चीज़ आ गई है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वाई, लेट एक्स के माइनस थ्री एक्स भी इक्वल टू वाई, देन इक्वेशन वन जो है वो फिर क्या बन जाएगी, टेक्स द फॉर्म जी, यहाँ आ जाएगा y प्लस टू, यहाँ आ जाएगा y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू जीरो। इसको मल्टीप्लाई कराएं, y को y से कराएं तो y स्क्वेयर, y को माइनस 40 से कराएं तो माइनस 40 वाई, टू को y से कराएं तो 2 वाई, टू को माइनस 40 से कराएं तो माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू जीरो। अब जरा देखिएगा, ये बन गया वाई स्क्वेयर माइनस 40 और प्लस 2 माइनस 38 वाई, और ये रह जाएगा प्लस 280 इज इक्वल टू जीरो। अगर आप बड़े गौर से देखें तो जो गिवन इक्वेशन थी वो अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। अब आप चाहें तो 280 के फैक्टर्स बना लें या फिर आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। चलें 280 के फैक्टर्स अगर हम बनाने चाहें तो क्या करना शुरू करेंगे, 280 को 2 पे डिवाइड करें, 140 आ गया, 70 आ गया, 35 आ गया, 5 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया। अब ज़रा देखते हैं कि कैसे ये फैक्टर्स बनेंगे, 2 2 4 4, 7 28 और 5 2 10, 28 और 10 इसके फैक्टर्स बन जाते हैं, यानी 28 इंटू 10 बनता है 280, इवन माइनस 28 इंटू माइनस 10 भी बनता है 280, और यही इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि माइनस 28 में माइनस 10 ऐड करें तो माइनस 38 आता है। लिहाजा आपके पास आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 28 वाई माइनस 10 वाई प्लस 280 इज इक्वल टू जीरो। वाई स्क्वेयर माइनस 28 वाई माइनस 10 वाई प्लस 280 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से वाई कॉमन आ गया, वाई माइनस 28, इन दोनों में से माइनस 10 कॉमन आ गया, वाई माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से वाई माइनस 28 दोबारा कॉमन निकलेगा,
तो y माइनस 10 इंटू वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से आपके पास आता है y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहां y की वैल्यू पुट की जाए तो y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x। ये मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की है x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 तो मेरा अभी पड़ा हुआ है इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ भी y की वैल्यू पुट की जाए जो कि है x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स 5 टू जर 10 बनेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लें x माइनस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन निकाल लें तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 0 आ जाता है, यहाँ से x माइनस 5 0 आ जाता है, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 5। ये तो यही इक्वेशन होगी। लकीली इसके भी फैक्टर्स बन जाएंगे माइनस 28 के, माइनस 7 और प्लस 4 बन जाएंगे। तो ये बनता है एक्स के माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू फैक्टर में से x कॉमन आ गया x माइनस 7, सेकेंड टू फैक्टर में से 4 कॉमन आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये बना जी x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा अगर हम उसमें सबसे पहले, वैसे तो उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन तेरे पहले सबसे पहले छोटी वैल्यू सबसे छोटी लिखी रहे तो वो माइनस 4 है, फिर उसके बाद माइनस 2 है, फिर उसके बाद 5 है और फिर उसके बाद 7 है। तो वैसे तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब मैटर नहीं करती, तो आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16।